गुरुदेव दरबार का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, किन शब्दों में धन्यवाद कहें, और सारे बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जो फायदे हुए गुरुदेव। बिल्कुल, खुद खुश हो गुरुदेव। फरवरी के बाद से घुटनों में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी, तो मैं चिंतित था कि अभी तो तंत्र दीक्षा लेवल 6 के बाद गुरुदेव के साथ हिमालय जाना है। आप चेक करो। नहीं, अभी गुरुदेव जैसे वनडे किया, सारी परेशानी चुमंत्र होते हो गई। प्रणाम महादेव, मेरा नाम श्रीपाल रमन, पालम दिल्ली से, बेसिकली बुलंदशहर से हूँ। मेरे डीएनए में 1 मंत्र दीक्षित और 5 तंत्र दीक्षित आपकी सेवा में उपस्थित हैं गुरुदेव। खूब खुश रहिए, आप लोग प्रसन्न रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप जीते जी घर को स्वर्ग बना रहे हैं। जीते जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो लोग कर नहीं पाते, बड़े बड़े संत महात्मा साधु, वो आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। देखिए बेटा, कुछ बची हुई स्मृतियां थी वो भी सब नष्ट हो गई, रोग कष्ट तो पहले बहुत चले गए, स्मृतियां थी बची हुई आप पुरुष सदस्यों में, वो भी सब नष्ट हो गए। अच्छा किया जो आपने वनडे कर लिया, तो ये असाध्य स्मृतियां रहती बेटा, वो इसी एनर्जी से जाती हैं तमाम वनडे, और फिर उसके बाद दरबार जो कराता है किसी महाहवन उससे जाती। बाकी आपकी जबकी ऊर्जा से नए चीजें संचय नहीं हो पाती, नए रोग और नए स्मृतियां वो संचय नहीं हो पाती, सब नष्ट होती रहती है ना। देखिए क्या क्या था, क्या क्या था। भोजन अली में घाव बन रहा था, कंधों में चुभन होती थी, अपच और एसिडिटी की स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, यूरेटर में सूजन था, किडनी में इंफेक्शन, आंखों में धुंधलापन, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां थी, श्वास घुटन की स्मृतियां थी, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, MND की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, घुटनों में दर्द व सूजन था, लंग्स में कंजेशन, साइनस की स्मृतियां थी, गले में घाव व सूजन था, कंधों कूल्हों में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, लीवर में, प्रोस्टेट में, पैनक्रियास में, कोलोन में और अंडकोष में। गुरुदेव वनडे कराने के लिए दरबार का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद गुरुदेव हम किस किस चीज का दें। हम में हिम्मत नहीं थी गुरुजी, लेकिन वृंदावन से करौली धाम तक पदयात्रा करा दी दरबार ने। बाबा से जरा प्रार्थना की, बाबा एक महामृत्युंजय करा दीजिए, तुरंत बाबा ने फरवरी में महामृत्युंजय करा दिया। तो गुरुदेव दरबार का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, किन शब्दों में धन्यवाद कहें, और सारे बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जो फायदे हुए गुरुदेव। बिल्कुल, खुद खुश हो गुरुदेव। फरवरी के बाद से घुटनों में थोड़ी दिक्कत आने लगी थी, तो मैं चिंतित था कि अभी तो तंत्र दीक्षा लेवल 6 के बाद गुरुदेव के साथ हिमालय जाना है। आप चेक करो। नहीं, अभी गुरुदेव जैसे वनडे किया, सारी परेशानी चुमंत्र होते हो गई, इसीलिए उसी की आवश्यकता थी, ऊर्जा की है ना। इसलिए घुटनों में दर्द और सूजन की जो आप ये ना रिपोर्ट कर, घुटनों में दर्द और सूजन की स्मृतियां, इस वजह से कष्ट होता है, ये सब नष्ट हो गई। ये नष्ट होने वाली लिस्ट है पूरी, क्या क्या नष्ट हुआ। खूब खुश गुरुदेव, आपसे मैंने आज्ञा भी नहीं ली थी, लेकिन लेपन शुरू कर दिया था। जैसे सबको बताते हैं, मैंने 5.5 महीने गुरुदेव लेपन शुरू किया, और मेरी आंखें मतलब जो स्कूल टाइम में थी 40 साल पहले 6x6, वो मेरी आई साइड हो गई। अभी कोई भी कहीं कोई फॉर्म भरता हूँ, ये पत्नी बोलती है चश्मा, मेरे चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, फेंको इसको, वो तो बाबा ने आंखें बढ़िया कर दी। खुश रहो, सब आपकी प्रार्थना से, संकल्प से संभव होता है, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से होता है। और गुरुदेव एक कोई पुरानी स्मृति है जो 25 साल से मेरा बीपी कम नहीं आने देती, मैंने पहले भी निवेदन किया था, कोई छोटी मोटी कहीं छुप जाती है स्मृति? कुछ नहीं छिपती, आंखें बंद करो, देखिए आशंकाओं की जो स्मृति नष्ट कर दी। प्रहार शुद्धि, 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Yeah.
बढ़िया खुश प्रणाम गुरुदेव बहुत अच्छे खुश रहो बेटा खूब प्रणाम गुरुदेव खूब प्रसन्न रहो बेटा स्वस्थ रहिए खूब मस्त रहिए आपको एक कष्ट तो नहीं नहीं गुरुदेव सब कुछ ठीक है टिकाऊ रहेगा हमेशा ठीक है खुश हो खुश प्रसन्न प्रणाम गुरुदेव एक दो तीन खुश हो बेटा खूब प्रसन्न रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए कैसे हो पहले का बढ़िया एकदम पहले काफी नेगेटिव एनर्जी थी लेकिन अब काफी पॉजिटिव लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव और कोई शारीरिक समस्या नहीं है बिल्कुल बेटा खुशी की कमी थी बस खुश रहने में थोड़ी दिक्कत रहती थी अब कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल बेटा अब सब ऐसे ही अच्छे रहो हमेशा हमेशा अच्छे रहो बस बाबा जो पढ़ाई में मेहनत हाँ पढ़ाई में जो मेहनत कर रहा हूँ बस वो सफल हो जाए और पढ़ाई में जो मेहनत कर रहा हूँ ना बस जॉब लग जाएगी तो बस खुशी रहूंगा और वही चाहिए कि जॉब लग जाए अच्छी सी इस देश में अंग्रेजों के आने के पहले कोई बेरोजगार नहीं रहता था सभी के पास रोजगार थे श्रम के समान अवसर थे सबको जो दर्जी था वो अपना दर्जी का काम था उसके पास जो लकड़हारा था उसके पास लकड़हारे का काम था लोहार था उसके पास लोहारी के काम थे जो नाई थे उनके पास नाई के काम थे जिसके जो काम थे व्यवसाय में ब्राह्मण देवता अपनी पंडित ही करते थे कथा भागवत करना सुनार सा सभी के पास अपने अपने रोजी रोटी के साधन थे इस देश में कोई बेरोजगार नहीं था फिर आए अंग्रेज फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले फिर उसने कहा कि यहाँ का तो हर आदमी रोजगार सबके पास है यहाँ तो कोई बेरोजगार ही नहीं है तो जहां कोई बेरोजगार नहीं है तो वहां फिर अशांति जो है पैदा करेंगे खा पी के मस्त रहेंगे और इकट्ठे मिलकर खड़े हो जाएंगे अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे वो भूखे रहेंगे तो चिल्लाते रहेंगे डंडा चलाते रहेंगे हम और भिखारी बनाओ तो उसने कहा कि शिक्षा क्रांति आए तो नौकरी मिलेगी यानी जो लोग मालिक थे अपने अपने काम के ठीक है जब मर्जी आए काम किया नहीं माने तो नहीं किया ऐसा था तो कहाँ ले आए कि नौकरी तो फिर नौकरी में आ गए धीरे 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 हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सबसे जो सर्वोत्तम चीज जीवन में है वो खेती है, है? सर्वोत्तम चीज खेती को माना जी गुरुदेव हाँ और नौकरी को सबसे नीचे माना निकृष्ट माना है उत्तम खेती मध्यम बान मतलब जो खेती है सबसे सबसे उत्तम सर्वोत्तम मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख समान तो कहा कि जो बान मतलब बनिया की काम व्यापार उसे मध्यम माना गया ना बहुत खराब ना अच्छा क्योंकि व्यापार में क्या होता है कम दे के ज्यादा लेना एक ही लाइन तो है दूसरी कोई लाइन है इसमें जी जी व्यापार में ज्यादा ले करके कम देना यही तो है व्यापार कम दे के ज्यादा ले लेना तो एक लाइन का था ठीक है माना गया दोनों का काम चल रहा है खरीदने वाले का ही बेचने वाले का तो मध्यम मान लिया फिर कहा निकृष्ट चाकरी सबसे ऊंचा काम नौकरी माना गया भीख समान तो मैकाले ने सबको इतनी डिग्रियां बंटवाई आज तक कि बच्चे डिग्री लेके घूम रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है डिग्री है तो नौकरी नहीं है तो बेरोजगार कहलाते हैं अपने आप में हीन भावना बच्चों में पैदा होती है तो जब भी कोई नौकरी की बात आती है तो हमेशा सेवा का भाव रहे तो नौकरी वाला भाव मिट जाता है गुलामी वाला भाव फिर मिट जाता है फिर 10 से 5 वाला भाव मिट जाता है 9 से 5 वाला बंधन वाला भाव चला जाता है जब आप सेवा का भाव से रहते हो जिसको आप लोग कहते हैं जॉब कर रहे हैं जी तो सर्विस में और जॉब में यही अंतर है नौकरी में और सेवा में यही अंतर है तो जब भी
मिले तो सेवा करनी है, तो भार नहीं रहेगा कभी, हमेशा लगेगा खूब मस्ती है, मजे करेंगे। घड़ी देख के नहीं करना है सेवा, सेवा घड़ी देख के नहीं होती, सेवा तो तब तक होती रहती जब तक पूरे न हो जाए, है ऐसे। तो बहुत अच्छा है बेटा, आप लोग सब समझदार हो, नई पीढ़ी आप सब बातों को समझते हो धीरे धीरे, आप ही लोग देश को आगे ले जाओगे, परिवार को आगे ले जाओगे, समाज को आगे ले जाओगे। तो आप सबको समझते रहना, चीजों को समझे रहना चाहिए, करते कुछ भी रहे लेकिन समझदारी बनी रहनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, आगे ऐसा करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना जी गुरुदेव। तो खूब काम कर पाओगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई, अच्छे से आपकी नौकरी होगी, सब कुछ कर पाओगे, ठीक है जी गुरुदेव। खुश हो, धन्यवाद, खूब पसंद, मस्त रहो, खुश गुरु जी, प्रणाम, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ। आप कैसे हो गुरु जी? एकदम आनंद बेटा, एकदम अच्छे। माँ बाबन की बहुत कृपा, आप लोगों की, आप लोगों की तमाम जो नकारात्मक स्मृतियां थी बची हुई भी नष्ट हो गई यहाँ से सर। ये आवश्यक था ये होना, एक तो कर लिया आपने, बहुत अच्छा किया, ठीक है। देखो क्या क्या सब नष्ट हुए आप लोगों में, सब जो सवारे आप बच्चे हैं, सब महिलाएं, ये सारे कष्ट थे और नष्ट हुए। अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, MND की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, गंदे स्वप्न आते थे, अनिद्रा की स्मृतियां थी, आर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, कार्य से अरुचि हो जाना, आलस्य बने रहना, OCD की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, यूरिन में इन्फेक्शन था, यूरेथ्रा चिपक रहा था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनाने वाली स्मृतियां थी, चेस्ट में गांठों की स्मृतियां थी, भ्रमित रखने वाली स्मृतियां थी, ल्यूकोरिया की स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस था, गले में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, भूख कम लगती थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, स्पाइनल कॉर्ड में, लीवर में, कोलोन में, गुदा द्वार में, हड्डियों में और गॉल ब्लैडर में। जी गुरु जी बिल्कुल सही है। ये तो बोलते थे आपको OCD है, आप दिन से बोलते थे। दरबार की यही कृपा है कि बाबा के भक्त उसी से जान जाते हैं कि OCD क्या है, उसी जो प्रेमिया क्या है। लेकिन अभी गुरु जी बिल्कुल ठीक हो, मैं ये नहीं सोचती इतने बड़े बच्ची बिल्कुल लड़की बन के घूमती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहना है, खूब मस्ती में जीवन काटना है, अपना परिवार अच्छा रहे, स्वयं अच्छे रहे, बस फिर समाज अच्छा रहते ही, फिर सब आगे अच्छा। गुरु जी बस आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, और माँ बाबन से तो डेली बात होती रहती है, लेकिन आज मौका मिला आपसे बात करने का, धन हो गए हम तो। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्ते गुरुदेव जी, खुश रहो बेटा। माँ बाबा और आपकी कृपा से मेरी न्यू जॉब लग गई है और 20 अगस्त से ज्वाइनिंग है मेरी, आशीर्वाद दीजिए कि नई जॉब अच्छे से चले। बिल्कुल बेटा, सब बहुत अच्छे से कर पाओ, खूब एंजॉय करोगे, ठीक है। आप कोई कष्ट तो रहे? नहीं 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 कुछ नहीं है। खुश रहो बेटा, सब कुछ ठीक है जी, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, कैसे हो? बढ़िया गुरु जी, मतलब दरबार आके तो कौन ही बुरा ही हो सकता है, सब बढ़िया ही बढ़िया होता है, जैसे दरबार में आ जाओ सारे कष्ट एकदम से बाबा एकदम बराबर कर देते सारे कष्ट, कुछ रहता ही नहीं है। अभी कल तक पीठ में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द सब था, अभी संकल्प किया एकदम सब सही हो गया। बिल्कुल बेटा, आप सब अपने प्रार्थना और संकल्प से ही अच्छे होते हैं। जी गुरु जी, गुरु जी फरवरी में मैं आई थी, तब था दिक्कत की शादी में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, आपने कहा था जल्दी हो जाएगा, मार्च में गुरु जी रिश्ता पक्का हो गया, नवंबर 12 को शादी भी फिक्स हो गई है। खूब बधाई हो बेटा, आप सुखी रहो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जहाँ जाओ अपने कुल का नाम रोशन करो, खूब खुश हो बेटा। धन्यवाद गुरु जी, खूब खुश। गुरु जी बस थोड़ा जैसे आपने शादी का थोड़ा करवा हो गया, आप जैसे आपने बताया 4-4 डिग्री है मेरे पास भी, लेकिन नौकरी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ओम, और आकर्षण बढ़ाया जाए दरबार का, वाणी में, नेत्रों में, चेहरे पे और आकर्षण बढ़ा दीजिए, संबंध खराब कर लेंगे सभी स्मृतियां नष्ट कर देंगे, प्रहार
और आकर्षण भर दिया जाए दरबार सक्रिय कर दिया। शुद्ध पांच बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, बंधन खींच दो पांच बार कमर। बढ़िया, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न। धन्यवाद गुरु जी। बस वो बवासीर की परेशानी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और अब नहीं जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। खत्म, आज से कुछ भी नहीं, नथिंग। वो स्मृति थी, आपको रोग नहीं था, सब खत्म, सब अपने आप। जी गुरु जी, गुरु जी महाहवन के लिए आगे है। हाँ, आप रहेंगे उसमें, महाहवन में आप, वो बच्चा पीछे खड़ा है, वो ब्लैक उसमें, हाँ ये रहेगा। और पीछे पीछे मम्मी आपके पीछे हैं जी जी, वो रहेंगे, तीन लोग रहो। ठीक है गुरु, धन्यवाद गुरु जी। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, खूब खुश रहिए आप लोग, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।